हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अबाउट वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन्स डे। ओके, सो काफ़ी लव वाली रीडिंग होने वाली है ये। ओके, सो ये रीडिंग है बेसिकली कि आपकी पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे ऑन दिस वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन्स डे। ओके, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपको लिए, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। ओके, सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर वन इज़ 10 ऑफ कप्स एंड कार्ड नंबर टू इज़ 9 ऑफ कप्स। सो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप वो वाला कार्ड चूज़ करिए। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम विथ कार्ड नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है 2 ऑफ कप्स, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, बताना चाहती हैं। ओके, लेट्स सी। एंड आई फील कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आई फील कि ये पर्सन आपको चाहते हैं डेट पे ले जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं ये पर्सन। सो ग्रुप नंबर वन वालों के पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सेक्रेड वुमन, आपके पर्सन आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही प्योर सोल मानते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आपने पूरे दिल, पूरे सोल से इनके साथ प्यार करा है, ठीक है। आपके प्यार में बिल्कुल भी डिसलॉयल्टी नहीं है, और ये बात आपके पर्सन को बखूबी पता है। ओके, एंड ये पर्सन ना इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी फाइट हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, भले आप दोनों बात ना भी करो, फिर भी आपकी जो लॉयल्टी है ना इस पर्सन के लिए, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आप हमेशा ट्रूली, मैडली एंड डीपली सिर्फ इसी पर्सन से प्यार करते हैं। और देखते हैं सेक्सुअलिटी, आपके पर्सन काफ़ी सेक्सी मानते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग मानते हैं आपको, ठीक है। मे बी ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं फिजिकली भी आपसे, और आपको बताना चाहते हैं कि ये आप बहुत ब्यूटीफुल हो, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, बट यू नो आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत हैंडसम हो दिखने में, और मतलब ये बहुत अट्रैक्टेड है आप जिस तरह से आपकी ड्रेसिंग है, आपके बोलने का स्टाइल, आपके आपके यू नो लुक्स एंड एवरीथिंग, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन आपसे। मेचोरिटी, ये पर्सन आपके लिए मेच्योर बन रहे हैं, ठीक है। मे बी इन्होंने काफ़ी डिसीजंस लिए थे इन दी पास्ट जो काफ़ी इमेच्योर थे, जो कि आपको अच्छे नहीं लगे, तो ये पर्सन अपने पे वर्क कर रहे हैं, एक मेच्योरिटी ला रहे हैं इस कनेक्शन में। और ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप भी बहुत वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप में जो कमियाँ हैं आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप उन्हें सही कर रहे हो, इनमें जो कमियाँ हैं ये उसको सही कर रहे हैं। सो बेसिकली आई फील कि ये बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और देखते हैं इस पर्सन का मैसेज आपके लिए। और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। ये पर्सन आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बहुत पैशनेट है आपको लेके, मतलब इनके दिल में आपके लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इनको आपके साथ लाइफ स्पेंड करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ इनको घूम फिर के कहीं भी जाए, इनको आना आपके पास ही है, ठीक है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये पर्सन आपको लेके, सो बिल्कुल आप टेंशन मत लो। ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ इनका एक ऐसा कनेक्शन है जो कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं भले ही लड़ाई हो जाए या थर्ड पार्टी भी आ जाए, तो भले ही किसी और के संग भी अगर बात कर लें ये पर्सन, तो भी इनको वो वाला लव और अफेक्शन नहीं मिलता जो इनको आपके साथ मिलता है, वो फीलिंग्स नहीं आती जो आपके साथ आती है, ठीक है। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, अगर आप लोग दूर हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सो बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। दिन रात ही आपको मिस करते हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, इंटेलेक्चुअल डिटरमाइंड मोटिवेटेड, यस सी कॉन्फिडेंट मोटिवेटेड, तो काफ़ी मोटिवेटेड हैं ये पर्सन आपको लेके, ठीक, काफ़ी श्योर हैं ये पर्सन आपको लेके, या फिर अब ये श्योर हो रहे हैं आपको लेके। ओके, अगर इन दी पास्ट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स रहे हैं आप दोनों के बीच में, इन दी पास्ट अगर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आपको लेके जहाँ पे यू नो आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है या नहीं है, आपके माइंड में डाउट आया हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस है।
ओके, थोड़े से इमेच्योर है ये पर्सन, बट अपनी मेच्योरिटी पे वर्क कर रहे हैं, बट ये सीरियस हैं आपको लेके। चलिए और देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्होंने जो भी आपको हर्ट कराए, तकलीफ़ें दी हैं, कहीं ना कहीं भले ये आपसे आके अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो भी अंदर ही अंदर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इन्होंने कितना गलत करा आपके साथ, पास्ट में कितना हर्ट करते हैं पर्सन आपको। ओके, सो कहीं ना कहीं ये बहुत गिल्टी फील करते हैं और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये नैन यांग, सो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं कि अगर इन्हें कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो आप ही हो, आपके अलावा ये किसी और के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके यिन हो, ये आपके यांग हैं, या फिर वाइस वर्सा, बट यू गाइज आर सोल मेट्स, ओके। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, देन वी हैव फ्रीडम। तो ये पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, जो भी टॉक्सिक चीज़ें रही हैं आपके बीच में पास्ट में, जो भी गलत हुआ है, जो भी अच्छा नहीं हुआ है आपके बीच में इन दी पास्ट, वो उस हर चीज़ को भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अब पास्ट में नहीं जीना चाहते हैं, और ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप भी वो जो चीज़ें हैं जो कि मतलब पास्ट में गलत हुई हैं आप दोनों के बीच में, उन सबको फ्री करो, रिलीज़ करो और एक नई शुरुआत करो, और उनको माफ़ कर दो आप। और देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मे बी इस पर्सन ने मतलब इन दी पास्ट या रिसेंटली भी अपने एटीट्यूड, अपने ईगो, अपने प्राइड को आपके ऊपर रखा, ठीक है। इस पर्सन ने अपने ईगो के चक्कर में आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करी, लेकिन अब ये इस प्राइड को, इस ईगो को, इस प्यार के बीच में नहीं आने देंगे, ये आपको ये बताना चाहते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आप आंसर्स इस पार्टनर से चाह रहे हो, अगर आप बहुत कुछ पूछना चाह रहे हो इस पर्सन से, क्या है तुम्हारी फीलिंग्स, क्या फील करते हो मेरे लिए, ठीक है, मतलब यू नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते होंगे इस पर्सन के लिए, जब पूछना चाहते हो, तो ये पर्सन आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। एंड सरेंडर टू द डिवाइन। तो ये पर्सन ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर रखा है डिवाइन को, और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप भी सरेंडर करो इस कनेक्शन को डिवाइन को, बिकॉज ये पर्सन मानते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, ओके। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, उनको सरेंडर करना ही सही रहता है। तो ये चाहते हैं कि आप भी सरेंडर करना सीखो कुछ चीज़ें। चलिए और देखते हैं कि इस पर्सन का मैसेज। और है इनडिसिजिवनेस, अलाउिंग योर लाइफ टू रैमलेस एमलेसली। सो अभी तक ये पर्सन काफ़ी इनडिसाइजिव थे आपको लेके, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, श्योर तो हैं ये आपके लिए, ये जानते हैं कि इनकी खुशी इनको आपके साथ ही मिलेगी, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनको हमेशा रोकती रहती है आपके पास आने से, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है गुड फॉर्चून, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक लक लेके आएंगे, गुड फॉर्चून लेके आएंगे, और ये आपको भी अपना लकी चार्म मानते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं कि इनकी डेस्टिनी, एक एक फॉर्चून तभी आएगा इनकी लाइफ में जब आप इनकी लाइफ में होंगे। हैप्पीनेस, यस, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस हो, भले कितने भी इनडिसाइजिव हो जाएंगे, पर ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। देन वी हैव अ चेंज फॉर द बेटर। सो ये पर्सन चेंज लेके आएंगे लाइफ में, रिलेशनशिप में चेंज लाएंगे ये, ठीक है। और वो आप दोनों के बेटरमेंट के लिए ही होगा, भले अभी थोड़े से कन्फ्यूज हैं ये पर्सन, बट चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वाओ, वी आर न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। तो मे बी ये पर्सन नया घर लेना चाहते हैं आपके लिए, या आप दोनों ही एक यू नो नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या ये आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, एकदम नया एनवायरनमेंट, नया पॉजिटिविटी के साथ ही आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ओके। एंड देन वी हैव गुड न्यूज़। तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी इस पार्टनर की तरफ से, ओके। चलिए मैसेजेस निकालते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो पहला मैसेज आपको देना चाहते हैं, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। सो आपने काफ़ी पॉजिटिव बनाया है इस पर्सन को, ठीक है। मे बी ये आपसे मिलने से पहले काफ़ी नेगेटिव थे, बट आपके आने के बाद इनमें चेंजेस आ रहे हैं। यू आर फनी, सो आप बहुत हंसाते हो इस पर्सन को, ठीक है, बहुत खुश रहते हैं आपके साथ, आपको बहुत फनी कह रहे हैं। यू आर माई होम, और यहाँ पे भी कार्ड आएगा इस होम का। सो डेफिनेटली इनकी प्लानिंग है आपको लेके, ये आपको अपने घर पे ले जाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं अपने घर पे सबसे, ओके। आपके साथ एक होम चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं, तो ये इसके माइंड में है। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, सो आप काफ़ी इनके लिए सिली थिंग्स करते हो जो कि इनको बहुत क्यूट लगती है।
देन यू मेक मी अ बेटर पर्सन. तो आपके आने के बाद इस पर्सन में चेंजेस आए, ये एक अच्छे पर्सन बने हैं, ठीक है. यू नेवर लेट मी फील लोनली. सो आप कभी इनको अकेला नहीं फील करवाते हो, कभी अकेला नहीं छोड़ते हो, और ये इनको आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है. ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1. लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, नाइट ऑफ कप्स. चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए इस वैलेंटाइन वीक में, वैलेंटाइन डे पे. ओके लेट्स सी. आई फील कि ये पर्सन रेडी है आपको ये लव ऑफर देने के लिए. ये रेडी है आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, यू नो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, जो भी पर्सन है आपके माइंड में. चलिए देखते हैं गाइस कि क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए. चलिए ग्रुप नंबर 2 के पर्सन का मैसेज. ओके, फर्स्ट वी हैव इज वाओ, वी हैव लव. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव करते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे हार्ट्स बने हुए हैं, हार्ट्स ही हार्ट्स हैं इधर, और जो आपने पिक्चर चूज करी है उस पर भी इतने सारे हार्ट्स बने हुए हैं. सो डेफिनेट लाइक दिल से ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, लव करते हैं, और मतलब ट्रू लव है इनका, वर्दीनेस. ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत वर्दी मानते हैं आपको, ठीक है. अगर आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं या नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, बट ये पर्सन का लव जेन्युइन है आपके लिए, ठीक है, ट्रू लव है. वैल्यू भी करते हैं, वर्थ भी करते हैं आपकी. कभी कभी शायद शो नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर दिल में इनके लिए, मतलब आपके लिए बहुत लव है इनके दिल में. ओके, वाओ, वी हैव कमिटमेंट. ये पर्सन के आपको लेके बड़े बड़े गोल्स हैं, ठीक है, और ये कमिटमेंट करना चाहते हैं आपके साथ. जैसे कि मैंने कहा था कि ये पर्सन आ रहे हैं आपसे मिलने, आ रहे हैं उस लव ऑफर को लेके आपके पास, और ये पर्सन कमिटमेंट करना चाहते हैं बिकॉज अब ये डीले नहीं चाहते हैं चीज़ों में, ठीक है. मे बी इन्होंने पास में बहुत डीले कराए चीज़ों को, पास में चीज़ें बहुत होल्ड पे रही हैं, पास में चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट शायद नहीं हुई हो, ठीक है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे हो. बट आई फील कि जैसे कि ये पर्सन अब इन दिनों अब आपकी वैल्यू करने लगे हैं, इस कनेक्शन की वैल्यू करने लगे हैं, और आपको समझने लगे हैं अब ये पर्सन. सो अब एक कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ. चलिए और देखते हैं लव मैसेजेस, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको. सिक्स ऑफ सोल्स, रिलीफ, होप, मूविंग ऑन. आप दोनों ने बहुत चैलेंजेस देखे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, आप दोनों ने बहुत बुरा टाइम देखा है साथ में इस कनेक्शन में. और ये पर्सन जो है ना, ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी बुरा टाइम था, जो भी तकलीफें थी, चैलेंजेस थे आपके बीच में, वो ये सब ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, ये ख़त्म कर रहे हैं ये. ओके, और जो भी अच्छा टाइम है ना, उसमें एंट्री लेना चाहते हैं ये पर्सन. ओके, सो अब ये पर्सन ये आपसे कह रहे हैं कि अब जो भी बुरा टाइम था, जो चैलेंजेस थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, अब आप रेडी हो जाइए कमिटमेंट के लिए, लाइफ लॉन्ग साथ में रहने के लिए. ओके, बिकॉज अब सिर्फ ये आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको पीछे छोड़ के आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं. देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ट्रूथफुल, एनालिटिकल एंड आउट स्पोकन. ये पर्सन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं आपसे, ठीक है. अगर ये चाहे लड़ाई करेंगे तो भी दिल से करेंगे, प्यार करेंगे तो भी दिल से करेंगे, ठीक है. तो इनका मतलब झूठ नहीं बोलते हैं, और ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है. और अब ये आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है. अब तक ये भागते थे अपनी फीलिंग्स से, बट अब ये एक्सप्रेस करेंगे, अब ये सच बोलेंगे, अपनी सच वाली फीलिंग्स बताएंगे आपको. एस ऑफ कप्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, इंट्यूशन. तो ये पर्सन का इंट्यूशन को गाइड करता है कि इनको आपके पास आना चाहिए और आपके साथ ही रहना चाहिए, ठीक है. भले कहीं भी चले जाएं, बट ये आपके पास ही आएंगे. ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, इमोशंस ये आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है. बिकॉज लव के इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे मतलब बहुत बहुत लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे. मे बी प्रपोज कर सकते हैं आपको वैलेंटाइंस पे. चलिए और देखते हैं मैसेजेस आपके पर्सन का. फ्रेंडशिप, तो मे बी अभी आप लोग एक फ्रेंडशिप में हो, ठीक है. अभी आप लोग जस्ट फ्रेंड्स हो, कुछ लोग शायद सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो ये उस फ्रेंडशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है. और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी ये मतलब
फ्रेंडशिप भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, कि आप दोनों एकदम फ्रेंड्स की तरह रहो, एकदम ओपन रहो एक दूसरे से, ठीक है, प्यार भी हो, फ्रेंडशिप भी हो, तो एक बॉन्ड, एक बहुत ही अलग बॉन्ड हो आप दोनों का। देन वी हैव करेज, तो ये पर्सन अब डिटरमाइंड है, इनमें करेज है कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, अभी तक ये भागते तो अब ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत अब ये श्योर है आपके लिए, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये पर्सन इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, और ये पर्सन रेडी है इस चेंज के लिए, जैसे कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया था आपके लिए, तो ये पर्सन अब रेडी है इस बदलाव के लिए। ये पर्सन अब समझ गए हैं कि जो भी पास्ट में हुआ वो पीछे छोड़ के अब ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अभी आपके साथ। चलिए और देखते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से। अ टाइम फॉर हीलिंग, सो मे बी बहुत हीलिंग चल रही है इस कनेक्शन में, और ये पर्सन इस चीज़ को समझते हैं, इसके रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है, कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो हील करनी बाकी है। अभी ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजर रहा है, तो एक हीलिंग चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, अपने अपने वूंड्स को हील कर रहे हो, और जब आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी तो आप दोनों मिलोगे और एक हो जाओगे। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो एक बहुत ही एक्साइटिंग सा क्लाइमेक्स आने वाला है आपकी इस लव स्टोरी में, ठीक, क्लाइमेक्स हो सकता है, एक प्रपोजल हो सकता है, बट एक कुछ बहुत ही पैशनेट सा होगा आपके बीच में, ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं कि क्लाइमेक्स जो है जल्द से जल्द आए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों लड़ाई झगड़े कम कर दो, बंद कर दो, और इन चीज़ों को प्यार से डील करो, ठीक है। पर्सन रियली चाहते हैं, ये पर्सन और कुछ नहीं चाहते हैं, पर्सन दे रियली वॉन्ट योर लव, ओके, बिकॉज लव के इतने सारे कारण है, तो दे रियली वॉन्ट योर लव, योर अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट वॉन्ट टू फाइट विथ यू, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस आपके पर्सन का मैसेज फॉर दिस वैलेंटाइंस। ओके, फर्स्ट वी हैव इज समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो उन्होंने पास में बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ें करी हैं, स्टूपिडली बिहेव करा है, ठीक है, बहुत आपको हर्ट करा है, अंडरस्टैंड या लड़ाई झगड़े करे हैं, तो अब ये ऐसा नहीं करेंगे, यू विल बी शोन द वे, तो ये एक रास्ता रास्ता निकल रहा है, एक रास्ता निकालेंगे ये पर्सन, ठीक है, और एंजल्स बहुत गाइड करेंगे आपको इस चीज़ में, एंजल्स एक रास्ता दिखाएंगे इस कनेक्शन के लिए, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, सी इस रोड पे चैलेंजेस तो हैं, बट ये सक्सेस की तरफ बढ़ रही है ये रोड, तो आपके रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस तो हैं, बट यू नो यू आर गोइंग टूवर्ड सक्सेस, सो टेंशन मत लो। वाओ, वी आर विक्ट्री, सी आप दोनों को विक्ट्री मिलेगी, आपका रिलेशनशिप जो है ना उसमें विक्ट्री मिलेगी, सो डोंट वरी गाइज, ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों को साथ में रहना है, बट कुछ चीज़ें हैं जो उनके हाथ में नहीं है, मे बी बिकॉज अभी चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि हीलिंग करनी कुछ बाकी है अभी। देन सी पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न, कुछ ना कुछ लेसन्स अभी सीखने बाकी हैं, तो आप दोनों फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, ठीक है, एक दूसरे लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, साथ भी रहना चाहते हो, बट एक टेस्ट पीरियड चल रहा है आप दोनों का। देन श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, तो सी फॉक्स जो होती है ना काफ़ी चालाक होती है, ठीक है, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपना रास्ता कैसे निकालना है उसको पता है, तो आप दोनों को थोड़ा सा इस तरह सोचने की ज़रूरत है कि चीज़ें डिफिकल्ट हैं बट कैसे चालाकी से, कैसे ये तो अपना माइंड यूज़ करके, अपना हार्ट यूज़ करके कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है इन दैट वे। ओके, देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आपके बीच में, तो ये पर्सन उसको सॉल्व करना चाहते हैं। अ टू फेस फ्रेंड, मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से यू नो आपके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो इन दी पास्ट या रिसेंटली, तो उसको ख़त्म कीजिए प्लीज़, एंड बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, ये जो ग्रेट मतलब प्राइड, ईगो, ये नहीं लाना है आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और जो भी अपना ट्रू फेस है ना वो ही दिखाना है आपके पार्टनर को। एंड देन लास्ट वी हैव फॉर यू इज अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, अगर आप दिल से यही चाह रहे हो ना इस आपको रहना है इस पार्टनर के साथ और ये पर्सन भी यही चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, डिवाइन आपकी सुनेंगे और आपकी विश पूरी करेंगे। अब हम देखेंगे मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के, लव मैसेजेस। लव मैसेजेस, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, सो आप काफ़ी सिली थिंग्स करते हो इस पर्सन के लिए जो बहुत क्यूट लगती है इनको कहीं ना कहीं। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली,
सब बहुत रिस्पेक्ट करते हो इस पर्सन की फैमिली की, ओके आप काफ़ी क्लोज हो सकते हो इनकी फैमिली के, या इनको अच्छा लगता है कि जब आप इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो और ये आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप हमेशा इनकी हेल्प करते हो चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आप कभी कभी इनको मना नहीं करते हो हेल्प के लिए, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। तो अगर कभी ये पर्सन आपसे स्पेस मांगते हैं तो आप इनको स्पेस भी देते हो, आप इसकी रिस्पेक्ट भी करते हो, यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो आप हमेशा इनको ऐसा फील करवाते हो कि आपके जो पर्सन है वो बहुत स्पेशल है, तो ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो आप हमेशा इनकी सक्सेस चाहते हो, इनकी विक्ट्री चाहते हो, आप सपोर्टिव हो, एंड योर पर्सन लव दिस थिंग अबाउट यू, एंड यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। सो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, एंड ये पर्सन को अच्छा लगता है जब आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी होती है तो आप दो काफ़ी अच्छा चलता है आपका कनेक्शन। बट कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में ऐसी हो जाती हैं जैसे कि दोनों ही कभी कभी ईगो आ जाता है, बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट कहीं ना कहीं प्यार दोनों के दिल में है, बट कुछ चीज़ों की वजह से कुछ टेस्ट चल रहा है आपका, तो डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, सो पेशेंस रखिए, बाकी आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।